एक सप्ताह के बाद राखी का त्योहार है, लेकिन राखी का बाजार अभी से सज गया है। लाल पीली राखियां सभी दुकानों की शोभा बढ़ा रही हैं। बहनें अपने भाई के लिए राखी, तो भाई अपनी बहनों को उपहार में देने के लिए अभी से कुछ न कुछ खरीद रहे हैं। 12 साल का रंजन, जो एक चाय की दुकान पर काम करता है, इस बार अपनी 7 साल की दिव्यांग बहन गुड़िया को बहुत अनोखा उपहार देना चाहता है। रंजन इसके लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहा है। अरे भाई, और कितनी देर लगेगी चाय में? अरे जल्दी लाओ यार। रंजन अपने हाथों में चाय की प्याली लिए उन ग्राहकों के पास आता है। ये लीजिए साहब, गर्मा गर्म चाय। रंजन के दिन की शुरुआत अलग अलग घरों में न्यूज़पेपर डालने से होती है। उसके बाद 10 बजे तक वो चाय की दुकान में आ जाता, फिर रात के 9 बजे तक यहीं रहता। उम्र उसकी भी ज्यादा नहीं थी। सुबह से रात तक वो अपना पसीना बहा रहा था ताकि अपनी बहन को राखी पर उपहार दे सके। गुड़िया रंजन की सगी बहन नहीं है, आज से 3 साल पहले की बात है। रात के 10 बज रहे थे। रंजन पूरे दिन काम करके बहुत थक गया था और वो फुटपाथ किनारे बैठा पाव खा रहा था। बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन इस एक पाव से क्या होगा। पूरा दिन मालिक के यहाँ जी जान लगा देता हूँ, लेकिन 20 रुपए से वो ज्यादा देता ही नहीं। रंजन का कोई घर तो था नहीं, इसलिए वो काम खत्म करके और कुछ खाकर चाय की दुकान के सामने वाले फुटपाथ पर सो जाता था। आज भी वो सोने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी आंखों के आगे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। एक ऑटो रिक्शे वाले को जोरदार टक्कर मार दी। उस रिक्शे में एक पति पत्नी और एक 4 साल की बच्ची थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही सभी की मौत हो गई। रंजन महीने में कम से कम ऐसे 2 एक्सीडेंट तो देखता ही था। आज भी उसने वो एक्सीडेंट देखा। एक्सीडेंट के बाद लगने वाली भीड़ को भी देखा, वो भी वहाँ भाग कर गया। पता नहीं लोग इतनी स्पीड में चलाते क्यों हैं? सभी के सभी मारे गए। अरे कोई पुलिस को खबर कर दो। अरे चलो चलो यहाँ से, पुलिस के चक्कर में पड़ोगे तो 50 सवाल पूछेंगे वो। फिर धीरे धीरे लोग वहाँ से बातें करते हुए जाने लगे। रंजन भी वहाँ से जाने लगा। तभी उस छोटी लड़की के शरीर में हलचल हुई। वो रोते हुए कहने लगी, बाबा बाबा। रंजन ने जैसे ही उस लड़की की आवाज़ सुनी, उसके कान खड़े हो गए। उसने देखा कि वो छोटी सी लड़की अर्ध बेहोशी की हालत में है। उसका एक पैर रिक्शे के नीचे दबा हुआ है। रंजन ने जैसे ही ये देखा, वो उसे निकालने की कोशिश करने लगा। कितना भारी है ये, जरा सा भी हिल नहीं रहा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। रंजन की मेहनत काम आई, वो उस बच्ची के पांव निकालने में कामयाब हो गया। वो उसे लेकर अस्पताल की ओर भागा। डॉक्टरों ने बच्ची की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया। इसकी हालत तो बहुत खराब है, कौन है ये बच्ची तुम्हारी? डॉक्टर साहब, मेरी तो कोई नहीं है, सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था, उसी में ये घायल हो गई थी। शाबाश, तुमने बहुत नेक काम किया है। उस बच्ची जिसका नाम गुड़िया था, उसके पांव से बहुत खून बह गया था, इसलिए डॉक्टरों को उसका एक पांव काटना पड़ा। रंजन हर दिन शाम को काम खत्म करके गुड़िया को देखने अस्पताल आता था। धीरे धीरे गुड़िया की हालत सुधरने लगी। रंजन को गुड़िया से बहुत लगाव हो गया था। वो हर दिन अस्पताल आता, उससे बातें करता और कहता कि गुड़िया तो अब जल्दी ठीक हो जा। गुड़िया को पता लग गया था कि उसी ने उसकी जान बचाई है। उसे ये भी पता लग गया था कि उस दिन हुए सड़क हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई है। गुड़िया रंजन को भैया कहकर बुलाती थी। गुड़िया के मुंह से भैया सुनना रंजन को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वो अस्पताल आया, तो उसने देखा कि गुड़िया बैसाखी के सहारे चुपचाप उदास सी खड़ी है। अरे गुड़िया, क्या हुआ, तू इस तरह उदास क्यों खड़ी है? गुड़िया कुछ बोलती उससे पहले ही डॉक्टर साहब वहां आ गए और उन्होंने उससे कहा कि गुड़िया अब बिल्कुल ठीक हो गई है, तुम इसे अपने साथ घर ले जा सकते हो। ये कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद गुड़िया, डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हें घर ले जाऊं, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कहीं घर नहीं है भैया, हम गांव से यहाँ आए थे। पिताजी को यहाँ एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम मिला था। पिताजी किराए का मकान ढूंढ ही रहे थे, लेकिन मकान मिलने के पहले ही वे दोनों अरे रोते क्यों है, रोने से क्या होगा, चुप हो जा। भैया तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो ना। मेरे घर पर मेरा तो कोई घर ही नहीं है, मैं तो फुटपाथ पर रहता हूँ। भैया तो मैं भी फुटपाथ पर रह लूँगी। रंजन, अरे नहीं नहीं, तू कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, मैं तो खुद किसी तरह अपना पेट भरता हूँ। रंजन की इस बात को सुनकर गुड़िया फिर से रोने लगी और उसने रोते रोते उससे कहा, ठीक है भैया। रंजन गुड़िया को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या करता, वो उसे कहाँ ले जाता, क्या खिलाता, क्या पिलाता, कैसे उसकी देखभाल करता। वो वहाँ से चला गया। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। रंजन फुटपाथ के पास ही एक पेड़ के नीचे खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान गुड़िया पर लगा हुआ था। मैंने गुड़िया के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे उसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मेरे जैसा ही उसका भी दुनिया में कोई नहीं है, वो बेचारी कहाँ जाएगी।
रंजन बारिश में भागता हुआ अस्पताल की तरफ जाने लगा, लेकिन अस्पताल पहुंचने के कुछ दूर पहले ही उसे गुड़िया दिख गई। वो बेचारी भी सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बारिश से छिपने के लिए खड़ी थी। वो भागकर उसके पास गया। तेरा भैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुझे इस तरह छोड़कर चला गया। नहीं भैया, आप बहुत ही अच्छे हो। तूने कुछ खाया है? नहीं भैया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। रंजन ने अपनी जेब में देखा, 5 रुपए पड़े थे। सिर्फ 5 रुपए ही है मेरे पास, बिस्किट खाएगी तू? कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। रंजन ने उन पैसों से बिस्किट खरीदा और गुड़िया को खाने को दिया। उस रात गुड़िया भी उसके साथ ही फुटपाथ पर सोई, लेकिन धीरे धीरे रंजन को गुड़िया का इस तरह बाहर रहना अच्छा नहीं लगने लगा, इसलिए उसने न्यूज़पेपर बेचने का काम भी शुरू किया। फिर 750 रुपए किराए पर एक बहुत ही छोटा सा कमरा लिया। यही नहीं, उसने चाय की दुकान के मालिक से भी कहा कि वो उसके पैसे थोड़े बढ़ा दे। उसने उसके पैसे भी बढ़ा दिए। एक दिन, देख गुड़िया, मैं तो पढ़ नहीं सका, ना अब लगता है कि पढ़ पाऊंगा, लेकिन तू पढ़ेगी, मेरी जैसी नहीं रहेगी। रंजन ने गुड़िया का दाखिला एक स्कूल में करवा दिया। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी, कभी कभी तो वो रंजन को भी कुछ न कुछ सिखाती, लेकिन उसका स्कूल बहुत दूर था। बैसाखी के सहारे चलकर जाने में वो बहुत थक जाती थी, इसलिए रंजन ने इस रक्षाबंधन पर उसे 3 पहिया हाथ वाला साइकिल देने का सोचा था। राखी से एक दिन पहले की बात है, रंजन ने गुड़िया को कहा कि वो, गुड़िया तू शाम को चाय की दुकान पर आ जाना, फिर हम दोनों कहीं जाएंगे। आ जाऊंगी भैया, वैसे भी मुझे आपके लिए राखी खरीदनी है, वैसे हम जाएंगे कहाँ? रंजन ने ये नहीं बताया था कि वो उसे 3 पहिया साइकिल देने वाला है, लेकिन जैसे ही गुड़िया शाम को चाय की दुकान पर पहुंची, उसकी तो रूह कांप गई। न जाने चाय की दुकान में कैसे आग लग गई थी। रंजन आग के लपटों में घिरा हुआ था और बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा था। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। लोगों ने भीड़ तो बहुत लगा रखी थी, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था। आवाज लगाता लगाता वो बेहोश हो गया। गुड़िया ने जैसे ही ये सब देखा, वो आग की परवाह किए बिना दुकान में चली गई और अपने भाई को बाहर ले आई। हालांकि उसे बचाने में गुड़िया थोड़ा जल भी गई थी, रंजन भी जल गया था। फिर गुड़िया उसे लेकर अस्पताल पहुंची। रंजन की हालत को देखकर तुरंत ही उसका इलाज शुरू हुआ। 24 घंटे बाद उसे होश आ गया। होश में आने के बाद उसे पता लगा कि किस तरह उसकी छोटी बहन ने उसकी जान बचाई है। गुड़िया, राखी पर तो भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं, तूने तो अपने भाई की ही जान बचा ली। देखना मेरी ऐसी हालत हो गई है कि तेरा भाई तुझे कुछ दे भी नहीं पाया। वो ये कह ही रहा था कि गुड़िया ने अपने कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और उसकी कलाई पर बांधते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस आप ठीक रहे, मेरे लिए यही सबसे बड़ा राखी का उपहार है। रंजन ने अपनी कलाई पर बंधी उस अनोखी राखी को देखा और उसे कहा कि तू दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। और गुड़िया ने कहा कि आप सबसे अच्छे भाई। दोस्तों, आप सभी को भाई बहन के इस पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की दिल से शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।